हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है और थर्ड पार्टी सिचुएशंस में पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स क्या है। अब डिपेंड करता है कि ये थर्ड पार्टी सबके लाइफ में अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों के लाइफ में करियर हो सकता है, लो क्लास समाज सोसाइटी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, या कोई और अदर पर्सन जिसके साथ ये रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, ठीक है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थर्ड पार्टी की एनर्जी मैं लूंगी लेफ्ट साइड में और आपकी एनर्जी लूंगी मैं राइट साइड में। आपकी तरफ हम निकालेंगे थ्री कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है और थर्ड पार्टी को लेकर एनर्जी क्या है। एंजल्स क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। बॉटम से एनर्जी नाइन ऑफ वॉन्ड्स के पार्टनर इस समय पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो और फियर से डील कर रहे हैं। कुछ है इनके मन में जो ये बोलना भी चाहते हैं और जिस सिचुएशन में ये अब और नहीं रहना चाहते, ठीक है। आपकी तरफ अगर फर्स्ट कार्ड की बात की जाए तो नाइन ऑफ एथेंस है, नेचर एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ द ईयर की एनर्जी है। क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर इस समय आपके साथ किसी टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हैं जिसको बहुत जल्द एंड कर सकते हैं। आपके बिना दुखी हैं। अगर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं कमिटमेंट को लेकर, प्यार को लेकर, रीयूनियन को लेकर, रिश्ते में स्टैंड को लेकर, तो इस समय बहुत ज्यादा हार्टिक एंड लॉस से गुजर रहे हैं। पॉसिबल है कि रात में नींद भी नहीं आ रही है, डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, खाना पीना टाइम से नहीं कर रहे हैं। चिंता है आपके पार्टनर को इस रिश्ते में, इस रिश्ते की और इस रिश्ते को बचाने की, और आप कह सकते हैं कि आपकी भी, कि कहीं आप चले तो नहीं जाएंगे। इस समय पॉसिबल है कि विविड एक्सपीरियंसेस को भी ये कर रहे हो, जैसे कि नेचर से रिलेटेड कुछ विविड साउंड्स को सुनना, ड्रीम्स आना अजीब तरीके के, अपने आसपास कुछ अजीब से फ्रिक्वेंसेस को सुनना, स्मेल करना। ये स्मेल दोनों ही तरीके की हो सकती है, आइदर ऑफ वेरी पॉजिटिव और आइदर वेरी नेगेटिव, ठीक है। द व्हील ऑफ द ईयर की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जो भी अब तक हुआ है उसको भूल जाना चाहते हैं। जो भी आपके साथ चीजें खत्म हुई हैं, खराब हुई हैं, इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपके दिल को दुखाया, आपने भी इनको हर्ट किया क्योंकि ये भी परेशान है, तो ये इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। और यहां पर यह भी नजर आ रहा है कि इस कनेक्शन को प्रॉपर तरीके से, जैसे होता है ना कि नए साल पर रेजोल्यूशन लेते हैं, अब यार वो पुरानी बात थी, अब नए साल से ये करेंगे, तो इनका भी कुछ ऐसा ही है कि यार फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से चीजों को ठीक करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे जिससे पुराना सब पास्ट में रहे और फ्यूचर पे, प्रेजेंट पे फोकस करके फ्यूचर ठीक किया जाए। इनकी ये एनर्जी तो आपको लेकर दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या है, फाइव ऑफ चैलिसेस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ एथम्स। बाप रे, यहां पर ये नजर आ रहा है कि पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना नहीं चाहते। पार्टनर एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है। जिन लोगों का भी सेपरेशन चल रहा है, पार्टनर आपके साथ सेपरेशन में नहीं रहना चाहते, सेपरेशन को एंड करने का सोच रहे हैं, ये इस समय टेंशन में। मैंने बोला ना, आपके साथ जो हुआ है उसको भी रिकॉल कर रहे हैं, रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। और यहां पर यह भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो बहुत ज्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं। मे बी इनकी तबीयत खराब हो रही हो। जबरदस्ती क्या होता है, जब हमारे मन की नहीं होती तो हम अंदर से टूटना शुरू कर देंगे, या तो वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर निकलेगा या फिर मन महसूस के अंदर ही अंदर टेंशन चल रही है कि है तो पा नहीं रहे, लेकिन सप्रेशन की वजह से घबराहट हो रही है। तो पार्टनर की एनर्जी में हो सकता है इनकी तबीयत भी खराब हो रही हो, ये बहुत ज्यादा सफरिंग में है, पेन में है। यहां पर यह भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस से कैसे निकला जाए इसको भी ये लेकर सोच रहे हैं और किसी न किसी तरीके के डायरेक्ट इनडायरेक्ट एफर्ट्स लगा रहे हो, स्ट्रेटजीज बना रहे हो, कुछ डटकर मुकाबला करने जैसी एनर्जी है सेवन ऑफ वॉन्ड्स की। टेन ऑफ एथम्स है तो ये पूरी तरीके से टूट चुके हैं, परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार क्या करूं मैं ऐसे सिचुएशन में, सबने तो हाथ खड़े कर दिए, कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, अपनों ने ही धोखा दे दिया जिनको अपना समझा था, अब ऐसे में मैं अकेले कैसे आगे बढ़ूं, कहां से लाऊं इतना करेज, कहां से लाऊं सारी चीजें ठीक करूं जिससे ये कनेक्शन ठीक हो पाए, ये लोग तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। इस टाइप की एनर्जी की जैसे सब कुछ खो दिया है इन्होंने, पूरी तरीके से गिवअप करने की एनर्जी है, लेकिन गिवअप किया नहीं है, अपनी लाइफ का एक साइकिल एंड कर रहे हैं। यहां पर भी नंबर 10 की एनर्जी थी, यहां पर भी 10 की है।
तो ये अपनी लाइफ का एक साइकिल एंड कर रहे हैं और इस साइकिल के बीच में एक स्ट्रगलिंग एनर्जी में है। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड द वाइल्ड हंट। देखिए म्यूचुअल एनर्जी पार्टनर की आपकी तरफ और थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये दिख रहा है कि ये आपसे छुपा रहे हैं कि इनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, फियर से डील कर रहे हैं, इनको हर तरीके से अपनी बर्बादी का कारण नजर आ रहा है या ये बर्बाद ना हो जाए इस चीज का इनको फियर है। एक होता है ना कि हम सामने से अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हैं, वी आर वेरी प्रैक्टिकल लॉजिकल, हमें कोई मतलब नहीं है इमोशन से, लेकिन अंदर ही अंदर इनके घर में परिवार में कलेश चल रहा हो, टेंशन चल रहा हो और बाहर सिर्फ ये मैसेज दे रहे हैं कि दिस पर्सन इज बैलेंस्ड, जबकि ऐसा है नहीं। इनके लाइफ में टावर मोमेंट्स चल रहे हैं स्पेशली इन द थर्ड पार्टी सिचुएशन। डिपेंड करता है कि आपसे ये चीजें बता रहे हैं या नहीं बता रहे, बट इनकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे आपसे नहीं बता रहे होंगे। ठीक है, तो ये निकल के आई है एनर्जी यू वर्सेस थर्ड पार्टी की। सो गाइज ये थी रीडिंग, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।